कार्डबोर्ड से बनी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। एंड ये मेरी बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बनाया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है एंड काफ़ी वजन वाली चीज़ें भी वो होल्ड कर सकता है। एंड आज जो बनने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैंने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था एंड मुझे काफ़ी टाइम भी लगा इसको बनाने में, तो आई थिंक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं पहली बार अपने चैनल पर ट्राई कर रही हूँ। एंड इतनी बड़ी चीज़ मैं बना ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं तो एक छोटा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। तो बेसिकली अब तक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रोजेक्ट आज आपको देखने को मिलेगा इस चैनल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया कि हम कार्डबोर्ड यूज़ करने वाले हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा ये कार्डबोर्ड का डिब्बा मैं लेके आई हूँ, मतलब मेरे जो कबाड़ वाला रूम है वहाँ से उठा के लेके आई हूँ। तो इसको अब मैं ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब एक तरीके से हम यू शेप ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर की साइड। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है मैंने, और अब हमें इसी के अलॉन्ग इसको कट करना है। तो ये सिर्फ आगे वाला साइड मैं कट कर रही हूँ यू शेप में, पीछे भी ऐसे मत कट करना, पीछे आपको नॉर्मली सिंपल कट करना है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो ये यू शेप में कट करने के बाद आप देखो कुछ ऐसा दिख रहा है आगे से, और अब हम पीछे की साइड कट करेंगे। तो पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा हमें निकाल देना है। तो अभी थोड़ा बहुत आपको शेप नहीं समझ आ रहा होगा शायद, बट अभी जब मैं दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो कट करने के बाद ये कुछ ऐसा है, तो इसकी जो बाकी की साइड्स हैं वो ऐसे ही रहेंगी और ये अपनी जगह पे चिपकी रहें। इसके लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए मैं हर तरफ इसके एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड भी लगा दूँगी। और जो ऊपर यू शेप है उसको कंप्लीट करने के लिए भी मैंने थोड़ा सा और कार्डबोर्ड लगा दिया है, जिससे कि पूरा ये यू शेप में ऊपर भी ऐसे बन जाए। अब बीच में मैं शेल्फ अटैच कर रही हूँ, तो एक मैंने काफ़ी बड़ी सी शेल्फ लगाई है और एक मैं थोड़ी सी छोटी, मतलब साइड में एक कॉर्नर में एक छोटी सी शेल्फ लगाना चाह रही थी। तो मैंने पीछे और साइड में एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा दिया है ताकि वो गिरे नहीं, थोड़ा सपोर्ट देने के लिए। तो हर तरफ से मजबूत है तो पीछे से भी मजबूत होनी चाहिए, तो पीछे भी मैंने एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा दिया है। तो सारे कार्डबोर्ड वगैरह चिपकाने के बाद एक ऐसा शेप मिल गया है एक शेल्फ का, और अब इस पूरे शेप को मैं न्यूज़पेपर से कवर कर दूंगी। मतलब जो भी इसकी रफ़ एजेस हैं वो दिखाई देंगी ना तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसके लिए इसको हम कवर कर देंगे न्यूज़पेपर से। और इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल में पानी मिक्स किया है। तो देखो इसकी सारी चीज़ें छुपा दी हमने, और अब हम फिर से लेंगे न्यूज़पेपर, क्योंकि कबाड़ ही हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर। तो न्यूज़पेपर को अब मैं छोटे छोटे पीसेस में फाड़ ले रही हूँ, और अब इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। मिक्स क्या कर देंगे, मतलब न्यूज़पेपर को हम पानी में सोक कर देंगे। तो एक रात के लिए आप छोड़ दीजिए, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो उतनी देर के लिए छोड़ दो, एक दिन भी छोड़ सकते हो। देन इसको आपको मिक्सी में पीस लेना है। एंड अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ग्लू और ये वॉल पुट्टी। तो इतने पेपर में मैंने 7-8 चम्मच वॉल पुट्टी मिलाया था, बड़ा चम्मच। मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा क्ले टाइप का थोड़ा सा ये बन गया है। तो अब हम इस पूरे कार्डबोर्ड को ना इसी ये जो मिक्सचर है ना इससे कवर करेंगे। तो अभी तक ये सब करने का मेरा मकसद क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली अगर हम चाहें तो वॉल पुट्टी से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन वॉल पुट्टी अगर कभी ये गिरेगा तो वॉल पुट्टी चिटक सकती है या उसके थोड़े बहुत पीसेस टूट के इधर उधर गिर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ वॉल पुट्टी नहीं मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा ये उबड़ खाबड़ सा होगा अगर, तो पानी लेके हाथों पे इसको बिल्कुल प्लेन कर लीजिए, सपाट कर लीजिए, तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। एंड अब आप बोलोगे कि सिर्फ न्यूज़पेपर ही यूज़ कर लें, वॉल पुट्टी ना यूज़ करें तो क्या होगा। तो अगर सिर्फ न्यूज़पेपर में फेविकॉल मिक्स करके यूज़ करते हैं तो उतनी हार्डनेस नहीं आएगी, क्योंकि वॉल पुट्टी थोड़ी हार्ड होती है। तो जब दोनों चीज़ को हम मिक्स करेंगे ना, तो ना तो ये चिटकेगा और ना ही मतलब बहुत फ्रजाइल होगा, मतलब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और ये प्रोसेस पूरा दिन लगातार किया है तब जाके ये पूरा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मेरा हाथ पूरा दिन गीला रहने की वजह से ये कैसा हो गया है, दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो आप जब करना तो ब्रेक ले लेके ये काम करना, लगातार मत करना, क्योंकि मुझे तो वीडियो डालना था टाइम पे, इसलिए मुझे लगातार ही करना था। तो अभी देखो ये ड्राई होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं पटापट करके इसको पीट रही थी,
पर ना ये बेंड हो रहा था और ना ही कहीं से चिटकने या टूटने का डर है। सो नाउ अब पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इट्सी बिट्सी का चौक पेंट और बटरनट स्क्वॉश ये वाला शेड मैंने यूज़ किया है। तो मैंने जानबूझ के 120 ml वाला डिब्बा मंगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत सारा पेंट यूज़ होगा, बट जितना मैंने सोचा था उतना पेंट नहीं यूज़ हुआ, आधे से भी कम ही ये डिब्बा यूज़ हुआ है। एंड इट्सी बिट्सी के चौक पेंट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो मैं ज़्यादातर इसी ब्रांड के चौक पेंट्स ही यूज़ करती हूँ। एंड इट्सी बिट्सी से आप चौक पेंट्स, MDF या कोई भी क्राफ्ट मटेरियल खरीदते हो ना, तो आप मेरा कूपन कोड MANSI05 यूज़ कर सकते हो तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको मिलेगा 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब ये इतनी बड़ी चीज़ हमें हैंग करनी है तो इसको हम नॉर्मली मास्किंग टेप से नहीं चिपका सकते वॉल में, तो इसको हैंग करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने वायर लिया, 4 होल्स किए और कुछ इस तरीके से वायर से लूप बना दिया। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से लूप बना लिया है। आप बोलोगे कि वायर को हमने सिर्फ 2 होल्स बना के भी तो हम उसको ऐसे टांगने वाला बना सकते थे ना, बट 4 होल्स मैंने इसलिए किए ताकि सारा भार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए चारों होल्स पे, और अगर सिर्फ 2 होल करते तो इतने पूरे शेल्फ का भार सिर्फ 2 होल्स पे आता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी शायद। तो चलो यहाँ हमारा सेकेंड DIY भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने फाइनल लुक नहीं दिखाया फर्स्ट वाले DIY का क्योंकि वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, तो वेट करो। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने सोचा कि शेल्फ में रखने के लिए क्यों ना कुछ मिनी या मिनिएचर टाइप का चीज़ बनाएं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक मिनी प्ले बटन। तो इसके लिए मैंने फोम शीट यूज़ की है, किसी भी कलर की आप यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप सन बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से 3 रेक्टेंगल शेप हमने कट किए हैं। अब एक पार्ट में से हमने कुछ इस तरीके का थोड़ा सा रेक्टेंगुलर या ओवल टाइप का शेप कट किया है। अभी जो दूसरा वाला पीस है इसमें मेरे पास ये एक मिरर रखा था, मतलब कहीं से तो ये मिरर निकला था तो मैंने तब से संभाल के रखा था, और इसी का मैंने साइज इस पर मार्क कर लिया है और सेम सर्कल में कट कर ले रही हूँ। मिरर आपका किसी भी शेप का हो चलेगा, मेरे पास राउंड शेप का था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब जो तीसरा वाला पीस था उसे हमें कहीं से नहीं कट करना है, उस पर हमें अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को चिपकाना है। अभी एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि एक प्ले का साइन हम यहाँ पे और कट कर लेंगे, मतलब एक छोटा सा ट्रायंगल कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब सारी चीज़ों को हम सिल्वर पर्ल कलर से पेंट कर लेंगे। आपके पास अगर स्प्रे पेंट है तो आप डायरेक्टली उससे भी पेंट कर सकते हो, और बाकी के पार्ट्स को भी अब हम इस तरीके से चिपका देंगे। इसको पेंट करने का जो पूरा प्रोसेस था ना वो थोड़ा सा वीडियो मेरे से मिस हो गया, शायद डिलीट हो गया, पता नहीं वो वीडियो ही कहाँ चला गया, तो पूरा मैंने नहीं दिखाया, बट हाँ जितना वीडियो बचा था वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब ये जो ट्रायंगल था इसको भी हम पेंट करके यहाँ बीच में चिपका देंगे। अब सेम लुक देने के लिए मैं यहाँ पे YouTube लिख दे रही हूँ, और इतना छोटा लिखने में ना वो भी मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो चलो अब सारी चीज़ों का फाइनल लुक देख लेते हैं। कैसे लगे आपको आज के DIYs? और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं नए नए मटेरियल्स यूज़ करूं और उसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाऊं, तो वही कोशिश मैंने इस बार भी की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर देना ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूं, वो टाइम पे आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।